हेलो गाइस, मैं हूं जमीर अहमद। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ जमीर पर। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हाउ टू चेक राशन कार्ड। गाइस, अपने राशन कार्ड को अपनी एंड्रॉइड मोबाइल से ही घर बैठे आप कैसे चेक कर सकें। तो गाइस, जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त संपूर्ण भारत में जो है वो कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी दुकानें खुल नहीं रही हैं। तो गाइस, अगर कुछ महीने पहले आपने अपने राशन कार्ड की यूनिट को अपडेट करवाया था या अपने राशन कार्ड पर नेम को बढ़वाया था, और अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वक्त जो है हमारा यूनिट कितना है और किस डेट से जो है वो शो हो रहा है, तो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, एंड तक बने रहिए। मैं आज आपको बताऊंगा क्रोम ब्राउजर से कैसे आप अपनी एंड्रॉइड मोबाइल में चेक करेंगे अपने राशन कार्ड को। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि अपने राशन कार्ड को कैसे चेक करें, वो भी मोबाइल से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। आपको भी चले जाना है अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है NFSA। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फर्स्ट पर ही होम आपूर्ति उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल गया, आपकी मोबाइल में इसी तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली हमें करना क्या, राशन कार्ड चेक करना है। तो राशन कार्ड चेक करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, आपको भी इसी तरह नीचे जाना है अपनी मोबाइल में स्क्रॉल डाउन करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेड बॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट उसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा NFSA की पात्रता सूची। तो सिंपली हमें करना क्या है, NFSA की पात्रता सूची जो लिखी हुई है सिंपली हमें उसी को क्लिक कर देना है। जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ज़िले का नाम। तो यहाँ पर बहुत सारे ज़िले का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह स्क्रॉल डाउन करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो सिंपली अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे अभी मैं हूँ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का राशन कार्ड चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 8 नंबर पर मेरा जो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, मेरा ज़िला दिया हुआ है आजमगढ़। तो सिंपली मैं करना क्या है कि इसी पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ आजमगढ़ पर। जैसे ही मैं आजमगढ़ पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नगरीय क्षेत्र, और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई मिलेगी आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है टाउन। अब मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टाउन, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक। तो अब जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह अपना वो मतलब गांव का नाम खोज सकते हैं। तो जैसे मेरा भी है मुबारकपुर, वो 9 नंबर पर अभी यहाँ टाउन में है जो 9 नंबर पर है। तो मैं अपने मुबारकपुर को क्लिक कर दे रहा हूँ, 9 नंबर पर जो है वो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दुकानदार का नाम, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ दुकानदार का नाम, और मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा इसको, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ देख सकते हैं आप जो है 29 नेम है, जो 29 कोटेदार हमारे मुबारकपुर में है। तो सिंपली जैसे मुबारकपुर के मैं किसी कोटेदार का नाम खोल सकता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पर खोल दे रहा हूँ 21 या 21 है जो राकेश कुमार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जूम कर दे रहा हूँ राकेश कुमार, इनके यहाँ जो है 334 राशन कार्ड है। तो सिंपली हमें करना क्या है, नाम के सामने वाला जो ब्लू कलर का नंबर लिखा है उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा खुल जाएगा कुछ इस तरह का, जितना उनके यहाँ से राशन कार्ड बना हुआ है सारा राशन कार्ड शो होने लगेगा। तो सिंपली हमें किसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपके राशन कार्ड की जो संख्या है वो यहाँ पर दी हुई है ब्लू कलर में जो है वो इस तरह से दी हुई है। तो आप अपने राशन कार्ड का नंबर मिलाकर आप उनके यहाँ से अगर आपका कोटा है तो आप अपना मतलब वो लिस्ट चेक कर सकते हो। सिंपली जैसे मैं यहाँ आप एग्जांपल के तौर पर ये नाम है, और ये उनका मतलब कि पति का नाम है, और ये उनकी माता का नाम है, ये यूनिट है, और ये 1/7/2019 को उनका नेट पर जो है वो शो हो गया। तो सिंपली जैसे मैं ये ब्लू कलर वाले पर टिक करूंगा, जैसे ही मैं इसको टच करूंगा तो उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पर शो होने लगेगा, कितना यूनिट है और
कितना नाम उनका यहाँ पे राशन कार्ड पर शो कर रहा है। तो इसी तरह आप अगर आप किसी अदर कोटेदार का चेक करना चाहते हैं तो इसी तरह जिस तरह मैं बताया हूँ चेक कर सकते हैं, किसी भी कोटेदार का चेक कर सकते हैं, कोटेदार का नाम के सामने वाला ब्लू कलर को टच कर। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप हमारी इस वीडियो से सीख गए होंगे कि अपने राशन कार्ड को अपनी एंड्रॉइड मोबाइल से कैसे चेक करें। तो कैसा लगा ये हमारे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि राशन कार्ड मोबाइल से कैसे चेक करते हैं नहीं जानते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।